इस तेल के खेल को हम आपको गहराई से समझाएंगे, दिखाएंगे भी। आज मुद्दे की बात में हमारे साथ दो दो एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सरकार के लिए कितनी बड़ी मजबूरी है। आपको बता दें कि मुद्दे की बात में जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एके मिश्रा हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 के दौरान तेल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 72 लाख रुपए बताया जा रहा है कि ये मिले, और 2014-15 में 99,000 करोड़ रुपए की तुलना में ये दुगना था। पहले शुरुआत एके मिश्रा साहब आपके साथ करना चाहूंगा मैं। सर, ये कीमत बढ़ रही है और सरकार दुहाई दे रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हमने रखे इसके पीछे छिपी कहानी क्या है? देखिए चावला जी, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था और जो आपने आंकड़े रखे हैं वो सही है। सबसे पहले ये समझ ले कि जो हमारा देश है और जो ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें सरकार का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि जनता हमेशा ऊपर रहती है और जहाँ तक संभव हो सके, जब तक अल्टीमेट मजबूरी ना आ जाए, जनता को राहत दिया जाए, उनके ऊपर बोझ न पड़ने दिया जाए। दूसरी चीज़ अगर ये देखें तो पेट्रोल या पेट्रोकेमिकल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, केवल इंडियन पॉलिटिक्स में ही नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस या महत्व रखते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पे ये है कि पेट्रोल से जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो हमारे GDP का 3.7% है। पेट्रोल की कीमतें जब कम थी तब भी गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, अब तो उनके पास ये बहाना मिल गया है कि ओपेक कंट्री ने बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि ये पेट्रोल की कीमतों में राहत क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके 2-3 रीजन है। देखिए, बिना कुछ किए बैठे बिठाए गवर्नमेंट को अगर फर्स्ट हैंड राजस्व 3.7% ऑफ टोटल GDP मिल जा रहा है, इन कंपैरिजन ऑफ अदर टैक्स कलेक्शंस के जो मीजर्स होते हैं, जो रिटर्न वगैरह फाइल किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों उस झंझट में पड़े? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। आज की गवर्नमेंट दुहाई ये दे रही है कि जी हमें डेवलपमेंट करना है, मैं या वो ये भी बोलते हैं कि जी पिछली सरकारों ने राजस्व को एकदम खजाने को खाली कर दिया। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि भाई आप इतना पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो नोटबंदी करके? जी पैसा आप अपने पास मत रखो, पेट्रोल पे, हर चीज पे आप टैक्स लगा के, सेस लगा के। एक सेकंड सर, एक मिनट सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। तेल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ रही है। आज आप देख लीजिए, मुद्रास्फीति न्यूनतम पे है, थोक मूल्य सूचकांक न्यूनतम पे है। सर, सर, एक मिश्रा, लॉजिक के ऊपर, लॉजिक पे जवाब। एक सेकंड, आ रहा हूँ, एक सेकंड। एक मिश्रा, इस लॉजिक पे जवाब चाहूंगा आपका। नहीं चावला जी, देखिए क्या है, ये डाटा वाटा बंद करिए, थोड़ा सा हम लॉजिक बात करते हैं। देखिए, तेल पे, अरे नवीन सर, एक मिनट सुन लीजिए सर, पांच साल आप, चार साल आप लोगों ने बोला है, हमने सुना है, आज तो सुन लीजिए। तेल एक ऐसी चीज है गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली जब देखिए, जब तेल के दाम कम थे तब भी गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। 2-3 तरीकों से केवल तेल पे अगर आप टैक्स बढ़ा दे, प्राइसेस बढ़ा दे। सर एक मिनट आप शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए ना, आपकी बात आ जाएगी सर, आपकी बात, नवीन जी आपकी बात आ जाएगी इसी में। मैं आपकी नियत की बात कर रहा हूँ, सुनिए। तेल के तरीके से, चावला जी, तेल के तरीके से गवर्नमेंट ऐसे प्रॉफिट कमा रही है जनता का खून चूस के। सुनिए, आप बात सुनिए। नवीन जी एक सेकंड प्लीज सर, जनता आपको देख रही है। सर देखिए चावला जी, मैं यही बोल रहा था कि तेल के प्राइसेस को गवर्नमेंट क्यों नहीं कम कर रही है, इनको रेवेन्यू जनरेट करना है, राजस्व इकट्ठा करना है, मैं मानता हूँ। अब GST वगैरह लगाने के बाद भी इन्होंने देख लिया कि दुकान दुकान जाके सरकार की क्षमता नहीं है कि अंदर से वो राजस्व इकट्ठा करें, जो चोर लोग हैं उनसे राजस्व इकट्ठा करें, स्विस बैंक से जो पैसा है वो ले आके खजाना बढ़ाएं। तेल एक ऐसी मजबूरी है हर आदमी की कि अगर उस पे उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया तो मजबूरी में हर आदमी को वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए, एक डबल फायदा गवर्नमेंट को क्या होता है कि तेल की प्राइसेस बढ़ी तो सारी चीजों की, सब्जी की, अनाज की, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ गया। यानी एक इतना अच्छा तरीका ये हमारे गवर्नमेंट को मिल गया है कि अगर आपको राजस्व इकट्ठा करना है तो जो और तरीके हैं उसमें तो आप कर नहीं पा रहे हो, फेल हो जा रहे हो, तो जनता मजबूर है तेल के हिसाब से, आप मल्टी लेयर में जो है राजस्व इकट्ठा कर लो। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ, आप जरा ये देखिए, तेल कंपनियों के प्राइस जो होता है निर्धारण, उसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है? एक गवर्नमेंट है, एक कंपनीज है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है,
कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पेट्रोल पंप है, जरा एक बार आरटीआई लगवा के ये भी देखा जाए कि वो पेट्रोल पंप किन लोगों के हैं। जो लॉबी है ये पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूटर की, उनको पर लीटर 3-4 रुपए का फायदा हो रहा है और जितना लीटर वो दिन भर में बेचते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे बढ़िया तो सोने का अंडा देने वाली गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम को वेलफेयर की जगह पैसा कमाने का प्रोडक्ट बना लिया है, मोनोपोली बना लिया है गवर्नमेंट ने। जो पॉइंट था ये वही पॉइंट है। मैं गवर्नमेंट से एक चीज और पूछना चाहता हूँ, पैसे बैंक में मत रखो जी, नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी लगा दिया, ये सारे मीजर्स आपके फेल हो गए, मेक इन इंडिया से आपको पैसा नहीं आ रहा है, सारी चीजें, अब पैसा कहां से आ रहा है, जहां जनता मजबूर है वहां पे टैक्स लगा दो। दूसरी चीज मैं और बोलना चाहूंगा तिलक जी, यहां पे थोड़ा सा मुझे एक मिनट का टाइम और दीजिएगा, प्लीज थोड़ा जल्दी। नहीं, देखिए ये है क्या, मैं ये बोलता हूं, आप विरोधाभास देखिए इस गवर्नमेंट के, जो ये क्लेम करते हैं विकास का, एक तरफ इनका जो है राजस्व बढ़ता जा रहा है, एफडीआई बढ़ती जा रही है, सरकार के खजाने जीडीपी बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए डॉलर जो है नीचे नहीं आ रहा है, विरोधाभास देखिए क्या है, उसके बाद आप देखिए किसी के जेब में पैसे नहीं बचे, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही है, जब खुशहाली आती है, बैंक सरकार का खजाना बढ़ता है, देश का ग्रोथ होता है, जीडीपी बढ़ती है, तो लोगों को राहत मिलती है। यहाँ जैसे जैसे खजाना और जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। एक सेकंड सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी थ्योरी तो मैं समझूंगा। एके मिश्रा साहब से, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थ्योरी समझा रहे थे जिस वक्त रेट कम हुआ था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, वो बैकबोन मजबूत करने की बात करते। एके मिश्रा, स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिक्र किया, पहले क्यों नहीं दिखाई और पूरी दुनिया में कीमतें गिर रही थी और हम रियायत देने को तैयार नहीं थे, आप स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? बता रहा हूं, ये जो स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, शुरू में गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्लान ले आए, एफडीआई को अट्रैक्ट करने के सारे प्लान थे, इंडिजीनस ग्रोथ के, इंडस्ट्रीज के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के प्लान थे, और प्लान इसलिए थे कि इन सब से मिलके पूरा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका पाई चार्ट जो है पूरा का जाकर के कंप्लीट होगा। हुआ क्या, स्मार्ट फाइनेंस, मुझे लगता है मेक इन इंडिया से अब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, एफडीआई से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, नोटबंदी से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, जीएसटी भी फेल हो गई रेवेन्यू जनरेट करने में, जो गवर्नमेंट को पूरा खर्चा चलाने के लिए चाहिए। तो सबसे सस्ता क्या है कि गवर्नमेंट, जनता मजबूर है पेट्रोल लेने के लिए, तो गवर्नमेंट को बैठे बिठाए क्या है, आप क्यों टैक्स कम करो, क्यों सस्ता, जब पेट्रोल के दाम सस्ते थे क्रूड ऑयल के तब भी इन्होंने नहीं किया। तो इससे बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है कि बिना कुछ किए हुए आप जनता के बचे हुए जो जेब में पैसे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ा दो। सही बात है, मैं मिश्रा जी की बात को, सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है कि एक जगह आप रेवेन्यू जनरेट कर लो, बाकी की देखिए, हेल्दी रेवेन्यू जनरेशन का जो तरीका होता है डिफेंस सेगमेंट से होना चाहिए, आपको रेवेन्यू एक्सपोर्ट जनरेशन से करना चाहिए, वो सब चीजें लगता है जो फेल हो गई हैं, वो चीजें यहाँ पे जाके पेट्रोल पे, पेट्रोल से रेवेन्यू जनरेट कर लो, बाकी सब चीजें फेल हो गई हैं। ये है स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक सेकंड, कि एक ही जगह से पूरे देश का रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है। एक सेकंड, जीएसटी में क्यों करेंगे सर, जीएसटी में करने से पूरी लॉबी और गवर्नमेंट को घाटा है, तो ग्रोथ कैसे दिखाएंगे अगर जीएसटी में ले जाएंगे तो 22 जगहों पे 23 जगहों पे सरकार आती है और जीएसटी भी नहीं हो पाया। एक सेकंड साथ में आपके पास आ रहा हूं, नवीन श्रीवास्तव कहना क्या चाह रहे हैं, जब रेट कम हुआ था अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका लॉजिक दीजिए, वो पैसा कहां गया? ये कहा कि जीडीपी का 3% पेट्रोलियम के राजस्व से आता है, हमारी सरकार की शादी 3.7% सर पेट्रोलियम से आता है, जीडीपी का 3.7% कंट्रीब्यूशन है सर, 3.7%। ठीक है ठीक है, इससे बढ़िया आपको रेवेन्यू जनरेट करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडिया से आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, एफडीआई से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, बाकी सारे सेक्टर से आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे, ऐसा नहीं, आप रेवेन्यू जनरेट वहीं से करोगे जहां पे जनता, मतलब जनता के गर्दन पे आप तलवार रख करके रेवेन्यू जनरेट करोगे, जनता मजबूर है पेट्रोल के लिए। एक सेकंड नवीन श्रीवास्तव सर, प्लीज एक सेकंड, नहीं नवीन श्रीवास्तव, जो आपके पक्ष में बोले वो राष्ट्रभक्त हो जाता है, जो सवाल उठाए वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है सर, एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए,
रेवेन्यू जनरेशन के लिए पेट्रोल क्यों, बाकी सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन के प्रोग्राम फ्लॉप हो गए हैं। आप मुझे केवल इसी चीज का जवाब दीजिए, इतना क्या हुआ होगा? साहब खान फॉर्मूला बताइए, रेवेन्यू जनरेशन आपके सरकार के पास नहीं था और विपक्ष में रहकर आपके पास आ गया। रमेश श्रीवास्तव का ऑडियो कम करिए प्लीज। तिलक जी ऑडियो कम करिए, रमेश श्रीवास्तव का ऑडियो कम करिए प्लीज। कि गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल पे से बिल्कुल नहीं कट करेगी। है फॉर्मूला नहीं है ना आप लोगों के पास? फॉर्मूला है तो बताइए जल्दी से। नहीं नहीं फॉर्मूला कौन सा चाहिए बताइए, कौन सा रेट कम करने का फॉर्मूला बताइए ना आप। अगर आप कह रहे कि रेट कम होना चाहिए, आपके पास कोई फॉर्मूला है? नहीं नहीं बिल्कुल फॉर्मूला है रेट कम करने का, रेट कम करने का अगर आप बोलते हैं तो मैं बताता हूँ ना रेट कम करने का फॉर्मूला क्या है। जल्दी से एक मिश्रा जल्दी। नहीं देखिए रेट कम करने का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे जो अभी करंट गवर्नमेंट एक प्रतिबद्ध है कि जी सबसे सस्ता तरीका यही है तो इसी पे लगाओ। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए, एक रिजर्व फंड रखना चाहिए कि अगर प्राइसेस बहुत हाई होते हैं तो हम कंसेशन देकर इसी को मैनेज करें। तिलक जी एक सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, सारे सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। हमने कोई फॉर्मूला, आप अभी फॉर्मूला का जिक्र कर रहे थे 147 रुपीज का जब हम इंपोर्ट कर रहे थे। करता है तो सरकार को कहीं ना कहीं जैसे कि अर्थशास्त्री साहब कह रहे थे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन के लिए कोई रास्ता इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है चुनाव का इंतजार करते हैं सर, एमपी और राजस्थान के चुनाव आएंगे फिर नवीन जी कहेंगे कि देखिए साहब हमने रेट स्टेबल कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है।